भीतरवार में पार्वती नदी के दियादा घाट पर दो युवतियों के शव मिले। दोनों दो दिन पहले घर से लापता हुई थीं। सोमवार को उनके शव नदी में पड़े मिले। पुलिस मौके पर पहुंच गई तो फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। टीम के आने के बाद ही शवों को नदी से बाहर निकाला गया। भीतरवार निवासी भावना रावत और शिवानी प्रजापति 12 नवंबर की सुबह 5 बजे घर से लापता हो गई थी। दोनों कक्षा 12वीं की छात्र थी। दोनों अच्छी फ्रेंड बताई जा रही हैं। शिवानी भीतरवार की निवासी है तो भावना रावत बेलगड़ा थाना क्षेत्र की निवासी है। प्रजापति के मकान में रहकर पढ़ाई कर रही थी। 12 नवंबर की सुबह दोनों घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने काफी खोजबीन की, नहीं मिली तो पुलिस में सूचना दी गई। पुलिस ने कल दोनों के खिलाफ गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया है। सोमवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि दो लड़कियों के शव पार्वती नदी में दियादाह घाट के पास पानी में पड़े मिले। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस की टीम के साथ एसडीओपी अभिनव बरंगे, थाना प्रभारी प्रशांत शर्मा मौके पर पहुंच गए। शवों के शनाख्त का प्रयास किए गए। परिजनों को बुलाया तो उन्होंने उनकी पहचान शिवानी और भावना के रूप में कर दी। एसडीओपी अभिनव बरंगे ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल ग्वालियर के वरिष्ठ अधिकारियों को घटना से अवगत कराते हुए फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है। मामले में हत्या है या कोई और अनहोनी है तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच में जुट गई है। ये दो लड़कियां, एक शिवानी प्रजापति और एक भावना रावत। शिवानी प्रजापति भीतरवार निवासी और भावना रावत बेलगड़ा के कोर निवासी है जी, जो कि यहाँ भीतरवार में रह के पढ़ाई जी। इन दोनों की बॉडी जो दिया था कि पार्वती नदी के पास मिली है जी। प्रथम दृष्टया इसमें मौके पर मर्ग की कार्रवाई की जा रही है। फसल अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं जी, और बॉडी को पीएम के लिए रवाना किया जाएगा। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए। समदड़िया आभूषण, समदड़िया